सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटी के आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को थंबनेल से अपने को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे एक कार्टून पहेली का वीडियो बनाकर और यूट्यूब चैनल पर डालकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आप सब ने देखा ही होगा कि YouTube पे कार्टून भी पहेली आज तक बहुत ही वायरल हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने में आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जो कि प्ले स्टोर पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, हो सके तो आपके मोबाइल में होगा भी। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है पिकसार्ट, और जो दूसरा एप्लीकेशन का हम बात करने वाले हैं वो है काइन मास्टर। तो यानी जो हमको एप्लीकेशन चाहिए वो है ये काइन मास्टर और दूसरा है पिकसार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस विषय पे आपको पहेली का वीडियो बनाना है तो उसको क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र में जाकर वो पिक्चर डाउनलोड कर लेना है। आप क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ, और इसमें आपको जो भी कार्टून का पिक्चर चाहिए यहाँ पे आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, मैं मोटू पतलू का जैसे एक पहेली बनाऊँगा, तो यहाँ पे हमको चाहिए मोटू का PNG पिक्चर। तो यहाँ पे लिखेंगे मोटू PNG पिक्चर। तो जैसे ही मोटू PNG पिक्चर यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जितने भी पिक्चर आएंगे वो सब PNG में आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक मोटू का पिक्चर है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये PNG में है? तो देखिए, जो भी PNG में, जो भी पिक्चर PNG में होता है उसके पीछे एक देखिए सफ़ेद कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पिक्चर हम डाउनलोड कर देंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इसी फ़ोटो पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव इमेज पर क्लिक कर देना है और डाउनलोड इसको कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने मोटू और बहुत सारे मोटू पतलू ये सब का पिक्चर डाउनलोड मैंने पहले से कर रखा है। आप नहीं किए होंगे तो यहाँ से मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आप यहाँ से कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर सके। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे कार्टून होम का पिक्चर करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कार्टून होम इमेज। तो जैसे ही कार्टून होम इमेज यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत सारे इमेज आ जाएंगे। उसमें से आपको क्या करना है, जो भी आपको पहेली के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पहेली बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप कोई भी होम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे होम आ गए हैं, यहाँ से आप कोई भी होम डाउनलोड करके और अपने पहेली में लगा सकते हैं। तो चलिए हम बाहर आ जाते हैं और उसके बाद में बताते हैं कि आपको कैसे पहेली का वीडियो बनाना है। सबसे पहले तो मैं आपको सिखा दिया हूँ कि आपको कैसे PNG फोटो डाउनलोड करेंगे और कैसे एक अच्छा बैकग्राउंड या होम का पिक्चर डाउनलोड कर लेंगे। सब उसके बाद में क्या करना है, आपको काइन मास्टर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही काइन मास्टर हम ओपन करेंगे तो हमको क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट पे चले जाना है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास दो ऑप्शन चले आएंगे। तो हमको क्या करना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट पे चले जाना है। एम्प्टी प्रोजेक्ट पे जाने के बाद मीडिया ब्राउज़र में चले जाना है, और मीडिया ब्राउज़र में जाने के बाद हम जो डाउनलोड में जो भी हम इमेज हम अपने बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमको ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे चले गए, यहाँ पे हमको कोई भी हमको अगर होम का पिक्चर रखना है तो यहाँ से हम होम का एक पिक्चर ले लेते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे होम का एक पिक्चर ले लिया है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कोई भी विलेन का यहाँ पे पिक्चर लगाएं तो आपको सिंपली लेयर पे क्लिक करना है और इमेज में चले जाना है। तो जैसे ही इमेज में जाएंगे आपको जो PNG मैं बतलाया हूँ कि डाउनलोड करना है वो ले लेना है, और यहाँ से आपको छोट बड़ भी करने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी आप इसे लगा सकते हैं। उसके बाद में आप चाहते हैं कि एक बहुत सारे फ़ोटो लगाने के लिए आप तो यहाँ पर क्लिक करना है, और ऐसा जितने भी सारे फ़ोटो आप इतने में लगाना चाहते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं। एक दो फ़ोटो और मैं इस पे लगा के आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो लगा दिए हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको यह एक पहेली की यानी एक पिक्चर की तरह दिखाई दे रहा है। तो देखिए चालू करते हैं ये, तो ये किस तरह चालू होता है,
ये कुछ इस प्रकार का चालू होगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इसके पीछे कोई हम म्यूजिक सेट करने के लिए, तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये म्यूजिक वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑडियो वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से कोई भी अपना वीडियो के बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर लेना है, यानी सेट कर लेना है। जैसे देखिए हम एक म्यूजिक लगा दिए हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, आप चाहते हैं अगर अपना गाना उना का म्यूजिक लगाने के लिए तो आप यहीं से आप लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर इस पहेली में ये तो विलेन का फोटो लगाने वाला काम हो गया है, अगर आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी को बनाने के लिए हम अपना वॉयस लगाएं कि ताकि ये पहेली बन सके और दर्शक भी समझ सके, तो आपको इस वॉयस वाले माइक पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट करके आप जो भी बोलना चाहते हैं यहाँ पे बोल कर आपको रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद में आपका वीडियो तैयार हो जाएगा और आप चाहते हैं इसको सेव करने के लिए अपने गैलरी में, तो यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में सेव टू गैलरी पे चले जाना है। उसके बाद में आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, फुल एचडी का, हाई डिफिनेशन का और मीडियम क्वालिटी का। तो यहाँ पे आप जो भी क्वालिटी में आपको वीडियो डाउनलोड करना है यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों तो ये था आज की वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो को शुरू में ही मैं बताया था कि आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, एक पिकशॉट और काइनमास्टर, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं काइनमास्टर का तो प्रयोग बतला दिया हूँ लेकिन पिकशॉट का प्रयोग नहीं बताया हूँ। तो इस पिकशॉट का क्या काम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या हमारे चैनल पर जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये पिकशॉट मैंने इसलिए बताया है कि मान लेते हैं आप जो भी वीडियो बनाएंगे उसका थंबनेल यानी स्टिकर बनाने के लिए पिकशॉट का प्रयोग होता है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोड है जिसके कारण मैं इसमें नहीं बता पा रहा हूँ। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो के लिए अपना समय निकाला, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जादू से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड और शिक्षा से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ। वीडियोस ऐसे ही लाइक करते रहना, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, जब तक है जान, जब तक है जान।